मध्य प्रदेश के खरगोन में खनिज माफिया के खिलाफ सख्त हुई डीएम, 3 स्टोन क्रेशर मालिकों से 90 लाख रॉयल्टी वसूली के आदेश। वर्षों से कर रहे थे लाखों की रॉयल्टी चोरी, जमा न करने की स्थिति में क्रेशर का लाइसेंस करेंगे निरस्त। जिले भर में अवैध रूप से चलाई जा रही स्टोन क्रेशर और खदानों के खिलाफ डीएम ने सख्त रुख अपनाया है। डीएम गोपाल चंद्र दाट ने मोमिनपुरा स्थित सतीश जायसवाल की गिट्टी खदान पर वर्षों से जमा नहीं की जा रही रॉयल्टी की बड़ी गड़बड़ी पाई है। संचालक जायसवाल पर 59,46,000 रुपये रॉयल्टी चोरी करना पाया। डीएम ने तत्काल राशि जमा करने के आदेश दिए हैं। वहीं महेश्वर तहसील के स्टोन क्रेशर संचालक महेंद्र चौहान को 17,66,000 और शमसुद्दीन पर 1,60,000 रॉयल्टी जमा करने के आदेश दिए हैं। खरगोन से तिवारी रिपोर्ट। एक्चुअली तीन हमारे लीज होल्डर्स जिनकी खदानें थी वो वर्षों से रॉयल्टी जमा नहीं करा रहे थे। हम लोगों ने उस पर वॉल्यूम उसका निकलवाया और जो उन्होंने पूर्व में रॉयल्टी जमा कराई थी उसके अतिरिक्त जो रॉयल्टी बनी वो एक सतीश जायसवाल को 69,46,000 की और महेंद्र चौहान शमसुद्दीन की दो अदर ठेकेदार थे उनकी, तीनों को मिलाकर लगभग 90 लाख की अतिरिक्त रॉयल्टी जो उन्हें जमा करानी थी लेकिन वर्षों से वो जमा नहीं करा रहे थे, उन पर आदेश किया कि 15 दिन में ही जमा करा दे। अब नहीं जमा कराएंगे, किस प्रकार कार्रवाई? नहीं जमा कराएंगे तो उनसे बलपूर्वक जो फोर्स वसूली होती है वैसे वसूली होगी और उनके पट्टे निरस्त कर दिए जाएंगे।